सियाचिन ग्लेशियर में 16,000 की फीट की ऊंचाई पर देश की सरहद की सुरक्षा में तैनात मेरठ के सूबेदार वीरेंद्र कुमार शर्मा का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, जिसको देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। शहीद के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के बाद उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। इस दौरान शहीद सूबेदार के परिवारजनों के साथ साथ गांव वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था। हर किसी की आंखों में आंसू थे और हर किसी की जुबान पर शहीद के जयकारे थे। शहीद सूबेदार को उनके छोटे भाई कुलदीप शर्मा और बेटे विवान ने मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि मेरठ के रोहटा रोड पर सैनिक विहार कॉलोनी के फेज 2 के रहने वाले और सेना के 123 मीडियम रेजिमेंट में कार्यरत सूबेदार वीरेंद्र कुमार की मृत्यु 14 अप्रैल को सुबह हुई थी। पोस्ट की कमान संभालने के लिए सैनिकों की टुकड़ी की अगुवाई करते हुए ऊंचाई पर पहुंचे सूबेदार वीरेंद्र कुमार बर्फीले पहाड़ी पर सेना के सबसे बड़े दुश्मन मौसम से जीवन की जंग हार गए। पोस्ट पर पहुंचने के दूसरे दिन सुबह अचानक मौसम बदलने से उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी और दिल की धड़कन रुकने से उनकी मौत हो गई। जिसके बाद ग्लेशियर से नीचे लाकर सैन्य व मेडिकल प्रक्रिया पूरी करने के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। और फिर दिल्ली में सैन्य सलामी देने के बाद देर शाम शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।